नमस्कार साथियों, मैं विनीत कुमार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है जेके नेशनल न्यूज। इसके बिहार से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम अंजीत कुमार है और मैं फिल्म एक्टर हूँ। और मैं दिन से देख रहा हूँ जो माहौल चल रहा है हमारे इंडिया में, जो माहौल है बहुत दयनीय स्थिति खराब हो चुका है। और बहुत ही मतलब ये स्थिति ऐसा आ चुका है कि बहुत लोग इससे घबरा गए हैं। लोग मतलब भूख के मारे या कुछ भी हो रहा है वजह से वो लोग के टूट चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज आप लोग अपने धैर्य बनाए रखिए। ये माहौल है, ये जो चीज़ें हैं लौट के फिर आएंगे, फिर हम लोग एक दूसरे के पास हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से मतलब इंसानियत आएगी। आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ तक बात बोल रहा हूँ, अभी मैं क्या बात बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो माहौल है ये क्यों हो गया है, जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में महामारी फैल चुका है जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आखिर आया तो कहां से आया? ये चाइना से आया। ये तो कंफर्म है कि चाइना से ये कोरोना वायरस आया और ये पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और अभी भी है। इससे पूरे वर्ल्ड का जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो भी इसमें अपने आप को मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब बेतहाशा हो गया है, वो निराश हो गया है, निराश हो गया है, वो अपने घुटनों पे आगे गिर चुका है। मेरी बात ये है कि आखिर ये जो माहौल बना है ये किसका देन है, क्यों देन है, आखिर ये क्यों कब कैसे हुआ, ये बड़ी बात होती है, सोचने लायक होती है। कि जब इंडिया ने पहली बार जब मतलब पहले मरीज इसमें आया था तो 29 जनवरी को, मैंने सब रिसेंटली देखा था, मैं किसी की न्यूज में देखा था 29 जनवरी को आया था। जनवरी में, फरवरी, मार्च, मतलब 2 महीने में ये इतना फैल गया कि मतलब देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने मोदी जी, मैं आई रिस्पेक्ट यू, बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे मतलब इंसान सारी कोई मतलब सदी में होता है यार, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंसान से। चुप होता है मैं, हो सकता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी थोड़ा बहुत भूल हो चुका होगा, वो मतलब ध्यान नहीं देंगे जो मरीज, जो पेशेंट मतलब जो पॉजिटिव था, ये वायरस वाले जो मतलब लोग थे जब बाहर से लोग आए थे तो वो लोग ध्यान नहीं दिए, और हमारा सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट उस समय में भी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ध्यान कब दिया, ये हमारे मोदी जी ने कहा कि 500 कुछ पेशेंट मतलब कुछ हुआ तब ये ध्यान में आया। 20 मार्च के बाद ये इस चीज को हर कोई लाइटली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इंडिया में, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में बढ़ना शुरू कर दिया था ये जो वायरस है, जो कोविड 19 है जो कि पूरे इंडिया में फैल चुका है, पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये माहौल चल रहा है 25 मार्च से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था और बोला गया था कि पूरे देश में कर्फ्यू लगेगा, जनता कर्फ्यू, तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, उस चीज़ का सपोर्ट भी किया हूँ। और बोले थे कि 15 अप्रैल तक ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मतलब 20 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 15 अप्रैल तक चलेगा। तो उनको लगा था कि सही में ये जो चीज़ें हैं ये समझ जाएगा और संभल भी जाएगा, अभी भी संभल रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट है या मेडिकल के साइंटिस्ट लोग हैं या डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, या प्रशासन है जो पब्लिक को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि हर इंसान, हर चीज़ गलती होती है, कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन हमारा गलती भी इसमें है, इसमें हमारा भी गलती ये है कि हम लोग गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट को अवॉइड कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं धर्म को यहाँ बात करूँगा, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं यार और राष्ट्रपति हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। ये इतने बड़े देश के अर्थव्यवस्था को चलाना सबकी बात की नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा जो आम पब्लिक के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम लोग अपने घर में रहें। मैं मानता हूँ कि एक दूसरे को लोग अवॉइड कर रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब उनसे दूरी बना रहे हैं, ये सही है। एक भाषा में बोला जाए तो लोग एक दूसरे से घृणा मतलब कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो
इतना पॉइंट देखिए, सोच में रखिए कि हाँ मैं उस इंसान से मिलूंगा नहीं तो ये चीज नहीं होगा, उस मानसिकता में इतना रखिए, बाकी चीजें और सब छोड़ दीजिए। हाँ हाय हेलो बोल सकते हैं, हाय हेलो फोन से बात करिए, कहीं से किसी से बोला है मतलब कनेक्शन सोशल डिस्टेंसिंग से दूर रहिए। हाँ आप लोग मतलब नेटवर्किंग के जरिए मुझसे मतलब फोन के जरिए व्हाट्सएप के ये लोग बात कर सकते हैं, और गलत तरीके से आप लोग किसी को मैसेज फॉरवर्ड ना करें, यही मैं बताना चाहूँगा। देखिए आज का जो माहौल है 15 अप्रैल तो खत्म होना जो ये माहौल था होने वाला था खत्म होने वाला था, लेकिन फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को लाइव आया और उन्होंने बताया कि ये चीज़ बहुत दयनीय हो चुका है, जो भारत की स्थिति है अभी बहुत खराब पे आ चुका है, तो इसके वजह में इससे लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया 3 मई तक, तो अच्छा है, फिर भी सही है, हर इंसान इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, मैं प्रॉब्लम हूँ, आप प्रॉब्लम में है, ये दुनिया मतलब प्रॉब्लम में झेल रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दुनिया के जितने भी महाशक्ति देश है, महाशक्तिशाली जो कंट्री है, वो सारे लोग मतलब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाला है, एक सिस्टम में बता रहा हूँ, मैं भी दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है कि मैं भी अगर मान के चलिए चाइना वाले ने जिस चीज़ को जो वायरस फैलाया है कोविड-19 कोरोना वायरस को मतलब उनके वजह से आया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी है कि उसने फैलाया, उसके जो वुहान शहर था और उसी के आसपास ये शहर मतलब ये चीज हुआ, केवल वुहान शहर में ये सिस्टम था। अगर एक चीज बता रहा हूँ कि अगर उसे उसका सिस्टम मतलब इतना तगड़ा है, इतना सिस्टम मजबूत है कि वो सिस्टम वुहान शहर से निकल के किसी और शहर में नहीं गया और वहीं पे खत्म हो गया, तो अभी उसका चीन का जो सिस्टम है, जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था है, वो सुधार आ चुका है, वहाँ के लोग काम करना शुरू कर दिए हैं और उत्पन्न हुआ था वो सिस्टम वहाँ पे अच्छा हो गया और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो मैं सोचने वाली बात ये है कि यार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो रूल जो फॉलो कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसमें हट गया था, एक बात बताना चाहूँगा, हाँ धर्म वाली बात, बहुत पहले बहुत लोग कह रहे हैं धर्म, देखिए ये हिंदुस्तान सब किसी का है यार, यहाँ पे किसी कोई बांटा नहीं गया है, और जो हमारे मोदी हैं ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर एक, जो मोदी हैं मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई बात बोलेगा तो मैं पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं कर, एज ए वूमेन मतलब एक इंसानियत के नाते, एक मैन पावर के नाते मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ यार, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़े मतलब उनके जैसा आई थिंक मुझे लगता है कि जो अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, मतलब एक इंसानियत के नाते, एक मैन पावर के नाते मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ यार, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़े मतलब उनके जैसा आई थिंक मुझे लगता है कि जो अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इतने सिस्टम में इतने दयनीय में वो इंसान खड़ा होकर बात करके काम कर रहा है, इतना कर रहा है, फिर भी इतना सुधार आ चुका है, तो उनके बारे में यार पहले तो सोचिए ये बात कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कोई भी उनके बारे में गलत बोल रहा है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे आप जिस देश में रहते हो और उस देश के राजा आप मतलब हमारे देश के राजा है यार, वो राजा मतलब क्या है, कुछ भी देखिए जब पूर्वज में जमाने में राज करते थे तो वो सिस्टम मानते थे, तो ये पता है लोकतंत्र चाहे लोकतंत्र चाहे जो हर इंसान का एक पहलू होता है जो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक चीज होती है कि यार वो देश मतलब एक देश का एक मतलब सिस्टम है, हम ही लोग उसको चुने हुए हैं, हम ही लोग चुन के वहाँ पहुँचाए हैं और उसका बात मानना चाहिए, उसको हम लोग गलत कमेंट ना करें फेसबुक पे इंस्टाग्राम में, बहुत लोग कमेंट करते हैं गलत बोलते हैं यार, आप देखिए जो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है ना, जो इंसानियत जानते हैं वो चीज़ इसको गलत नहीं बोलेंगे, जो ये मतलब जो मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक लाइट मतलब दिया जलाने का कहा था वो भी बहुत लोग सपोर्ट किए, बहुत लोग नहीं सपोर्ट किए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो सबके लिए बोल रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए, आखिर यार वो किसके लिए बोल रहे हैं, मोदी क्या कर सकते हैं अपने लिए यार, हर इंसान अपना क्या कर सकता है, वो आपके लिए कर रहा है, वो मतलब कोई करके सोचता है या पैसा कमा कर अपना कर लेगा, वो क्या कर, कोई नहीं कर सकता है कुछ, वो सबके लिए हिंदुस्तान के लिए हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो यही बात है कि आप लोग अपने घर पे अपने धैर्य बनाए रखिए और अपने घर में रहिए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज आप रहिए, और जो रियल केस में जैसे मेडिसिन खाने का बता रहा हूँ तो लोग सब उसमें आप जा सकते हैं, और मैं बहुत सारे मैं सिवान से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, सिवान में बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो अभी थोड़ा बहुत जितना हेल्प किया कर सकता हूँ किसी को, मैं नाम नहीं बताऊँगा
कि मैंने क्या, बट जितना हो सका मुझे किया हूँ, बट मैं फिलहाल में मैं भी बहुत मतलब इस स्थिति में मेरा इस मतलब डाउन में बहुत मैं मेरा भी स्थिति बहुत डेनी हो गया है, बहुत खराब हो चुका है। इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं यही दरख्वास्त करूँगा, यही मैं सपोर्ट करूँगा सबको किसी को कि जो ये माहौल चल रहा है आप लोग प्लीज़ शांति बनाए रखिए, अपने घर पर रहिए, जहाँ भी है यार, जहाँ भी आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में आप रहिए और सपोर्ट रहिए। सिवान में तो खासकर हमारे बिहार में थोड़ा सा ये जो स्थिति था दयनीय हो गया है, 60 के पार मतलब हो चुका था ये जो पॉजिटिव जो वायरस है, मतलब जो मेन है 60 के पास पहुंच चुके थे, लेकिन फिर कंट्रोल किया गया, मतलब उनमें निगेटिव पाया गया। सिवान में 29 हो गया था लोग, तो 29 में से फिर बहुत सारे निगेटिव पाए गए, तो अभी स्थिति सही है। हमारे सिवान में जो काम कर रहे हैं, सिवान गोपालगंज छपरा के जो DIG हैं वो आए थे सिवान में और उन सारा मीटिंग किए, सपोर्ट किए सबको कि भाई समझाएं और इस तरह से अच्छे से काम करें, और पूरे मैं चाहूँगा आप लोग सब सपोर्ट करें एक दूसरे को। सपोर्ट करने का मतलब है कि दूरी बनाए रखिए, बस दूरी बनाकर सपोर्ट कीजिए, मैं यही कहूँगा। और जो ये मैं बता रहा हूँ जे जे नेशनल न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, एक बेहतरीन वर्क है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मेरा एक प्रयास है कि मैं COVID-19 के बारे में कुछ बताऊं, और यही है कि चीज़ें हैं जो कि निकल के जल्दी सुधर जाएंगे। सुधरेगा यही है कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को विचार करें, डरना जरूरी है, थोड़ा सा डर है ठीक है ना, लोगों से मतलब डर है, घृणा ना करें, मतलब एक दूसरे को गलत तरीके से ना बोले, कमेंट गलत ना करें यार, बस यही चीज़ मैं बोलूँगा, गलत कमेंट ना करें किसी को ठीक है ना, आसपास में कमेंट ना करें, उससे थोड़ी सी बहुत मतलब गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लीज़ आप किसी को गलत कमेंट ना करें, किसी को भी कमेंट ना करें, बहुत सारे लोग कमेंट करें, तो प्लीज़ गलत कमेंट ना करें। तो दोस्तों यही है कि मैं जो बनाता हूँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूँ और ये जनता कर्फ्यू का पालन करता हूँ, और ये 15 अप्रैल को जो ख़त्म होने वाला था ये एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, 3 मई तक चला गया। तो देखिए ये क्यों बढ़ा, ये हमारा और आपका गलती है, क्योंकि यार आप देखिए सही से पालन नहीं हुआ है, जो मतलब बीच में 10 अप्रैल तक ये सिस्टम थोड़ा था, जो मतलब वायरस जो पॉजिटिव थे लोग ये नहीं मिल रहे थे, लोग जो मतलब नए मरीज नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक 12-13 अप्रैल 14 अप्रैल को बहुत लोग फिर मतलब 60 मिलना शुरू कर दिए, फिर महाराष्ट्र में कुछ पेशेंट आ गए, दिल्ली में आ गए, तो ये बहुत गलत बात हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन नहीं कर रहे ना तो इससे फिर और दयनीय स्थिति खराब हो सकता है, तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि यार अपने लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए यार सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए, ये जो टेंशन है बहुत जल्दी टल जाएगा, लेकिन टलने का यही कारण है कि हम लोग बस अपने घर पर रहिए, अपने सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें और अपने चीज़ों को इसमें देखें, और आप लोग भी कुछ करना मतलब घर पर रहकर कुछ से कुछ कर सकते हैं। तो यही आज कहूँगा, और थैंक यू दोस्तों, फ्रेंड्स, लव यू, बाय, टेक केयर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो ये जेके नेशनल न्यूज है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसके बिहाफ से बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू।